हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द वेट ऑफ द ग्लास। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा लेसन है इसमें। ठीक है, मीन्स वेट होता है वजन, ऑफ मीन्स का, ग्लास मीन्स कांच का गिलास। ठीक है, ग्लास का वजन, ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी और ग्रामेटिकली जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या सेंस बैठेगा वाक्य के अंत में। जब हम कोई भी बुक या कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं, अगर अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई सेकंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, इज एम आर हो, तो हम उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसका क्या मतलब बैठेगा जब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। कल मैं आपके लिए जो टेंसेस लेकर आऊंगी कंटिन्यूअस, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओनली कंटिन्यूअस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ साइकोलॉजी प्रोफेसर वॉक्ड अराउंड ऑन अ स्टेज वाइल टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू एन ऑडिटोरियम फिल्ड विद द स्टूडेंट्स। इतनी बड़ी लाइन है, पहले हम इसकी हिंदी देखेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरी लाइन का मीनिंग है एक समय की बात है। ठीक है, अ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। डरना नहीं है, समझना है, हर एक चीज को समझना है। इतनी बड़ी लाइन है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझेंगे। मनोविज्ञान प्रोफेसर, ठीक है, उस प्रोफेसर को प्राध्यापक भी बोलते हैं और प्रोफेसर भी बोलते हैं, तो हम यहां पर प्रोफेसर ही लिखेंगे। वॉक्ड मीन्स घूमे, अराउंड चारों तरफ, ऑन अ स्टेज, ऑन मीन्स पर, स्टेज होता है मंच पर, वाइल मीन्स समय, टीचिंग मीन्स पढ़ाते समय। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या पढ़ा रहे थे वो, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल। स्ट्रेस क्या होता है, तनाव, प्रबंधन, मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। और ये प्रिंसिपल वो नहीं है जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, इसका मीनिंग है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत जो होते हैं। टू एन ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम क्या होता है, हॉल, बहुत बड़ा जो हॉल होता है स्कूलों में कॉलेजेस में, उसको सभा मंडप बोलते हैं। लेकिन हम इसको अगर हॉल से ही समझें तो सही है, क्योंकि हिंदी इसकी जो है बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। हम इसको एज अ हॉल भी लिख देते हैं यहाँ पे, जो बहुत बड़ा हॉल होता है। ठीक है, फिल्ड मीन्स भरा हुआ, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, फिल मीन्स भरना और फिल्ड मीन्स भरा हुआ, विद स्टूडेंट्स, विद मीन्स से, स्टूडेंट्स मीन्स छात्र। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक समय की बात है, एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर, ठीक है, घूमे स्टेज के चारों ओर पढ़ाते समय, क्या पढ़ा रहे थे वो, तनाव प्रबंधन सिद्धांत पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय वो मंच पर घूमे, ठीक है, कहाँ घूमे, छात्रों से भरा हुआ जो ऑडिटोरियम था वहां पर, छात्रों से भरा हुआ जो हॉल था वहां पर सिद्धांत, तनाव प्रबंध सिद्धांत पढ़ाते समय मंच पर मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर चारों तरफ घूमे। क्लियर है। एज शी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वॉटर, अब यहां पे शी है तो मींस जो प्रोफेसर है वो कौन है, गर्ल है। ठीक है, एज मींस जैसे, वह, रेज्ड मींस उठाना, उठाया। ठीक है, जैसे ही उसने उठाया, अ ग्लास ऑफ वॉटर, एक पानी का ग्लास, वो स्टेज पर थी, कुछ समझा रही थी, तो जैसे ही उसने पानी का ग्लास उठाया, एवरीवन एक्सपेक्टेड, एवरीवन मींस हर कोई, हर किसी ने, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद, हर किसी ने उम्मीद की, दे वुड बी आस, अब दे वुड है, डी लगा है तो मीन्स यहां पर ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म गई है, दे वुड, यहां पर क्या होगा, ये वाला वुड, दे वुड बी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बैठेगा वो हम अभी आपको बताएंगे। ये वुड का पैसिव है, ठीक है, दे मीन्स वे लोग। अब यहां से समझिए, जैसे ही प्रोफेसर स्टेज पर थे, एज शी रेज्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने
जैसे ही पानी का ग्लास उठाया, किसने उठाया? प्रोफेसर ने, जो स्टेज पर हैं। तो एवरीवन, हर किसी ने, जो बच्चे थे, एवरीवन मींस जो हर कोई, एक्सपेक्टेड, हर किसी ने उम्मीद की कि दे वुड बी आस्क्ड, उनसे पूछा जाएगा। आस्क मींस पूछना, ठीक है, पूछा जाएगा। विल का पास्ट होता है वुड, है ना, तो दे वुड बी आस्क्ड। दे मींस उनसे, मतलब हर कोई है ना यहाँ पर, मतलब ज्यादा लोग हैं, तो वो जो नीचे बैठे थे, छात्र थे, उनके लिए दे लगा गया है, ज्यादा के लिए। दे वुड बी आस्क्ड मींस उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। द टिपिकल मींस ठेठ या फिर सामान्य, ठीक है। ग्लास हाफ एम्प्टी, जो ग्लास है आधा खाली, और ग्लास आधा भरा हुआ, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि जब टीचर ने ग्लास को उठाया, ठीक है, पानी के ग्लास को उठाया स्टेज पर, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि उनसे पूछा जाएगा एक ठेठ क्वेश्चन, मतलब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आधा ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ। यही होता है ना नॉर्मली, आजकल हर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पूछते हैं कि ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ। तो बच्चों को भी लगा कि उनसे पूछा जाएगा कि जो ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ, ठीक है। इंस्टेड मीन्स इसकी बजाय, की बजाय, विद अ स्माइल, ठीक है, मुस्कुराहट के साथ, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, ठीक है, उसके चेहरे, इसकी बजाय, मतलब ये पूछने की बजाय, मतलब उसके चेहरे पर एक क्या थी, मुस्कुराहट थी। द प्रोफेसर आस्क्ड, जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पूछा, प्रोफेसर मींस प्रोफेसर, ठीक है, हाउ हैवी इज दिस ग्लास ऑफ वाटर आई एम होल्डिंग। हाउ हैवी, हाउ मीन्स कितना, हैवी मीन्स भारी है, दिस ग्लास, यह ग्लास कितना भारी है पानी का, ठीक है, पानी का ये ग्लास कितना भारी है, उसने पूछा। लेकिन बच्चे कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन उसने इसकी बजाय हंसते हुए, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, और उसने क्या पूछा कि ये ग्लास कितना भारी है ना। आई एम होल्डिंग, जो मैंने पकड़ा है। अब ये देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एम, आई एम, इसका मीनिंग है आई एम, ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म दी गई है। जो लोग फास्ट फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो इस तरह से यूज करते हैं, एम एम, ठीक है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम आई एम बोलेंगे, ठीक है। आई एम होल्डिंग, अब एम भी लगा है, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी भी है, तो मीन्स बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, लेकिन इसको हम पीछे रहा है, रही है, नहीं आएगा। ये जो, अगर उसने गिलास को पकड़ा है तो उसने पकड़ के रखा हुआ है ना, लाइक जैसे हम बैठे हैं तो हम बैठे हैं, आई एम सिटिंग, अगर हम खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग, लेकिन वो काम तो चल ही रहा है ना। इसी तरह से उसने भी गिलास को पकड़ा हुआ है तो पकड़े रखा है, तो मीन्स जो मैंने पकड़ा है, ठीक है, काम तो चल ही रहा है, लेकिन रहा है, रही है, इसमें सेंस नहीं आएगा कुछ केसेस में, बैठने के, उठने के, पकड़ने के सेंस में रहा है, रही है का सेंस नहीं आता, लेकिन होता वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने क्या पूछा कि जो ग्लास मैंने पकड़ा है ये कितना भारी है। स्टूडेंट शाउटेड, जो छात्र थे वो चिल्लाए, शाउटेड आउट मीन्स चिल्लाए, आंसर्स मीन्स उत्तर, रेंजिंग फ्रॉम 8 ऑन्स, ठीक है, फ्रॉम 8 ऑन्स मीन्स 8 ऑन्स, ठीक है, टू अ कपल ऑफ, कपल ऑफ मीन्स पाउंड, ठीक है, मीन्स एक दो पाउंड, ठीक है, कपल ऑफ पाउंड होता है कुछ पाउंड। बच्चों ने क्या उत्तर दिया, रेंजिंग मीन्स लेकर। छात्र चिल्लाए उत्तर देते हुए कि 8 ऑन्स से लेकर कुछ पाउंड तक, जब मैम ने पूछा, जो प्रोफेसर ने पूछा कि इसका भार कितना है, जो मैंने पकड़ा है उसका भार कितना है, तो बच्चों ने क्या चिल्लाया, 8 ऑन्स से लेकर कुछ पाउंड तक, ठीक है। आगे देखते हैं, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, जो प्रोफेसर थी उसने
उत्तर दिया, रिप्लाइड सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, उत्तर दिया. फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, फ्रॉम मीन्स से, माई मीन्स मेरे, परस्पेक्टिव होता है ख्याल या फिर दृष्टिकोण. तो उसने क्या उत्तर दिया कि मेरे ख्याल से द एब्सोल्यूट वेट ऑफ दिस ग्लास डज नॉट मैटर. एब्सोल्यूट क्या होता है, पूर्ण, जो पूर्ण वजन है, ठीक है, ऑफ यह ग्लास का, पहले हिंदी लिखते हैं. अब देखिए डज नॉट मैटर, डज के साथ नॉट है डजंट, ये शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म दी गई है, लेकिन जो फुल फॉर्म है वो है डज नॉट मैटर, मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब पड़ता एंड में ता आया क्योंकि डज नॉट है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ता है, ते है, ती है. लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी देखिए कितना है, डजेंट मैटर मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक जैसे हर रोज हम अपनी लाइफ में काफी कुछ यूज करते हैं, बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम इसको हर रोज यूज भी कर सकते हैं बोलते टाइम, ठीक है, हिंदी ना बोलकर हम इस स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये देखिए उसने बोला कि मेरे ख्याल से द एब्सोल्यूट वेट ऑफ दिस ग्लास डजेंट मैटर, कि जो पूर्ण वजन है इस ग्लास का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, कि यह सब निर्भर करता है. अब मैंने ता है क्यों लगाया, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स, डिपेंड के साथ एस लगा है, वर्ब की फॉर्म है डिपेंड, उसके साथ एस लगा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, इनडेफिनेट, ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा. ये थर्ड, ये क्या है, ही शी इट, जब होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे इट लगा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया गया है. तो मीन्स ये सब निर्भर करता है ऑन हाउ लॉन्ग, ठीक है, ऑन मीन्स पर, हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, कितनी देर, आई होल्ड इट, मैं पकड़ती हूं इसे, ठीक है. कहते कि इससे इसका भार कितना, इसका जो जो वेट है, जो भार है, डजेंट मैटर, कि इस ग्लास का जो कितना भार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग आई होल्ड इट, ठीक है, ये सब निर्भर करता है कि कितनी देर मैं इसे पकड़ती हूं. वो जो प्रोफेसर था वो कौन था, मनोवैज्ञानिक, वो बच्चों को कुछ समझाना चाहते थे एक पानी के गिलास के जरिए. तो उसने बोला, उसने जब पूछा कि इसका भार क्या है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि इसको मैं कितनी देर पकड़ती हूं. If I hold it for a minute or two, बहुत समझने वाली बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है. If I hold it, if means अगर मैं पकड़ती हूं, अब मैं पकड़ती हूं क्यों लगाया, क्योंकि I के साथ hold है, I के साथ first form दी गई है, present indefinite है, ता है, ते है, ती है का sense आएगा. अगर मैं इसे पकड़ती हूं, इसे means it, ठीक है, अगर मैं इसे पकड़ती हूं फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, और या फिर दो मिनट के लिए, ठीक है. इफ आई होल्ड इट फॉर अ मिनट और टू, इट्स फेयरली लाइट, यह है, ठीक है, उचित क्या है, ये लाइट है, बहुत ही हल्का है, ठीक है, उचित या फिर काफी, ये काफी हल्का है, ठीक है ना. अगर मैं इसे, इस ग्लास को अगर मैं एक या दो मिनट के लिए पकड़ती हूं तो ये बहुत हल्का है. इफ आई होल्ड इट फॉर एन आवर स्ट्रेट, अगर मैं इसे पकड़ती हूं, फॉर मीन्स फॉर एन आवर स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट मीन्स सीधा, एक घंटे के लिए, ठीक है, अगर मैं सीधा इसे एक घंटे के लिए पकड़ती हूं, सेंस बैठता है ना. इट्स वेट माइट मेक माय आर्म एक अ लिटल, इट्स वेट, इसका जो भार है, वजन है, माइट मेक माय, माइट मीन्स, माइट कब लगाते हैं, जब संभावना होती है, लाइक जैसे मे लगाते हैं 50% संभावना के लिए, लेकिन माइट की जो होती है संभावना होती है 30%. मान लो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे है, अगर यहां मे होता तो 50% काम हो सकता है, लेकिन माइट है, ये 30% काम हो सकता है या नहीं हो, संभावना कम हो जाती है माइट में, ठीक है. सकता है,
मेरी जो बाजू है दर्द, ठीक है, एक होता है दर्द, लिटिल मीन्स थोड़ा, ठीक है, मेरी बाजू में थोड़ा दर्द कर सकता है, मेक मीन्स करना, ठीक है। ये देखिए, इट्स वेट माइट मेक माई आर्म एक अ लिटल, इसका जो भार है वो मेरी बाजू को थोड़ा दर्द दे सकता है अगर मैं इसे एक घंटा उठाती हूँ। अगर इस ग्लास को अगर मैं एक घंटा उठाती हूँ तो ये मेरी बाजू को थोड़ा सा दर्द दे सकता है। लेकिन आगे देखिए, इफ आई होल्ड इट फॉर अ डे स्ट्रेट, अगर मैं इसे पकड़ती हूँ फॉर अ डे स्ट्रेट, ठीक है, सीधा एक दिन के लिए, एक दिन के लिए अगर मैं इसे सीधा पकड़ती हूँ, माई आर्म विल लाइकली क्रैम्प। ये देखिए, मेरी जो बाजू है, मेरी बाजू विल गागेगी का सेंस आएगा, ठीक है, लाइकली होता है संभावना, ठीक है, संभावना। क्रैम्प मीन्स होता है एठन, जैसे मोच आ जाती है, क्रैम्प अप मीन्स एठन। एंड फील, महसूस, कंप्लीटली, पूरी तरह से, पहले हिंदी लिख लेते हैं, नम होता है सुन, जैसे हाथ पैर सुन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नम। एंड पैरालाइज्ड मीन्स लकवा ग्रस्त, पैरालाइज्ड लकवा ग्रस्त। फोर्सिंग मी टू ड्रॉप द ग्लास टू द, फोर्सिंग क्या होता है, मजबूर, मुझे टू ड्रॉप, गिराने के लिए, द ग्लास टू द फ्लोर मीन्स फर्श पर, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये देखिए, इफ आई होल्ड इट फॉर अ डे, अगर मैं इस ग्लास को सीधा एक दिन के लिए पकड़ती हूं तो मेरी बाजू में, ठीक है, ऐंठन की संभावना होगी और महसूस करेगी पूरी तरह से सुन और लकवाग्रस्त, और मुझे मजबूर कर देगी इस ग्लास को फर्श पर गिराने के लिए, ठीक है। लाइक तीन सिचुएशन उसने दी हैं प्रोफेसर ने, कि अगर मैं ग्लास को एक मिनट या दो मिनट के लिए पकड़ती हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत हल्का वेट होगा, अगर मैं सीधा एक घंटे के लिए पकड़ती हूं तो मेरी बाजू में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन अगर मैं इस ग्लास को एक पूरे दिन के लिए पकड़ लूं तो मेरी बाजू में ऐंठन की संभावना होगी, ठीक है, जो कि महसूस होगा, मुझे पूरी तरह से सुन, तनावग्रस्त, मजबूर कर देगा मुझे गिराने के लिए उस ग्लास को फर्श पर। आया समझ में, ठीक है, मजबूर कर देगा, क्योंकि यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है, ठीक है, पहले विल दिया और लाइन पूरी यहां तक खत्म हुई है, तो हम गा गे गी से ही इसका अंत होगा लाइन का, ठीक है। इन केस, इन ईच केस, ठीक है, इन मीन्स में, ईच मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक मामले में, ये जो तीन मामले थे हमारे, ठीक है, तीन, इन ईच केस द वेट, जो भार है, आगे देखते हैं, द वेट ऑफ द, ऑफ मीन्स का, द ग्लास, जो ग्लास का जो वेट है, डजंट चेंज, नहीं बदलता, नहीं बदलता। अब ता क्यों आया, क्योंकि डज नॉट चेंज है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है ये, जिसमें हम डू डज लगाते हैं, ठीक है ना, डज नॉट चेंज, ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म दी गई है, इसकी फुल फॉर्म है डज नॉट, नहीं बदलता। इन तीनों केसेस में जो उसका वेट है, जो भार है, वो नहीं बदलता, वो तो एक ही जैसा है, पानी में, गिलास में जितना पानी था उतना ही है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब उसको ज्यादा देर तक उठाते हैं। बट द लॉन्गर आई होल्ड इट, लेकिन जितनी देर आई होल्ड इट, मैं इसे पकड़ती हूं, ठीक है, बट द लॉन्गर आई होल्ड इट, लेकिन जितनी देर मैं इसे पकड़ती हूं, द हैवियर इट फील्स टू मी, उतना भारी यह है, लगता है मुझे, ठीक है, जितनी देर मैं इसे पकड़ती हूं यह मुझे उतना भारी लगता है। क्लियर है, आगे देखिए, एज द क्लास शूक देयर हेड्स इन द अग्रीमेंट, जैसे ही, जैसे जो वर्ग है, जो क्लास है, कक्षा थी, शूक मीन्स हिलाया, ठीक है, शूक मीन्स अपने सिर हिलाना, शूक करना, देयर हेड्स अपने सिर
जैसे ही कक्षा ने अपने सिर हिलाए, इन अग्रीमेंट, सहमति में, इन मीन्स में, ठीक है, सहमति में सारी कक्षा ने अपना जो है सिर हिलाया. शी कंटिन्यूड, ठीक है, शी कंटिन्यूड मीन्स उसने जारी रखा, उसने कंटिन्यूड मीन्स जारी रखा जो उसकी बात थी. सारी क्लास ने सिर हिलाया अग्रीमेंट में, सहमत थी सारी क्लास कि हाँ मैम जो कह रही हैं वो ठीक है ना. तो उसने जारी रखा. अब देखिए बहुत अच्छी बात, वो उससे कंपेयर करना चाहती है किस चीज़ से, हमारे स्ट्रेस, योर स्ट्रेस एंड वरीज, तुम्हारी, तुम्हारा जो तनाव है, ठीक है, तुम्हारा तनाव और जो वरीज हैं, जो दुख हैं इन लाइफ, जीवन में, आर वेरी मच लाइक, हैं बहुत ज़्यादा, लाइक मीन्स इस ग्लास की तरह है, लाइक मीन्स तरह है, दिस ग्लास ऑफ वाटर, इस पानी के गिलास की तरह है, ठीक है ना. अब वो क्या समझाना चाहती थी, वो बच्चों को समझाना चाहती थी कि इस ग्लास में जो पानी है वो किसकी तरह है, हमारे जीवन में हमारे दुख और तनाव से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, इसी तरह हैं, है ना, जो हमारा दुख है. थिंक अबाउट देम, अगर हम अपनी तनाव और चिंताओं को थिंक, सोचते हैं के बारे में, देम मीन्स इनके बारे में, इनके बारे में अगर हम सोचते हैं फॉर अ वाइल, वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, एंड और नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हैपन्स मीन्स होना, है ना, एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तातेती का सेंस आएगा. वो कह रहा है कि थिंक अबाउट देम, अगर हम उनके बारे में कुछ समय के लिए सोचते हैं तो कुछ नहीं होता. थिंक अबाउट देम अ बिट लॉन्गर, ठीक है, उनके बारे में सोचते हैं, सोचते हैं अ बिट लॉन्गर, थोड़ा लंबा सोचते हैं, ज्यादा, ठीक है, और यू बिगिन टू एक्ट अ लिटल, तुम, ठीक है, लगते हो, मतलब दर्द होने लगता है, लगता है, बिगिन मीन्स शुरू हो जाता है, लगता है टू एक्ट दर्द होने, अ लिटल मीन्स थोड़ा, जब अपनी चिंताओं को थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ा लंबा सोचते हैं, ज़्यादा देर तक, मान लीजिए 1-1.5 घंटे तक अगर हम सोचते हैं अपने तनाव को, तो हमारा सिर जो दर्द है वो थोड़ा दर्द होने लगता है. बिगिन टू एक्ट अ लिटल, ठीक है ना. दे थिंक अबाउट देम ऑल डे लॉन्ग, सोचते हैं, ठीक है, इनके बारे में, मतलब देम लगा है चिंताओं के बारे में, ठीक है. ऑल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन, पूरे दिन अगर हम अपनी चिंताओं के बारे में सोचते हैं, एंड यू विल फील कंप्लीटली नम एंड पैरालाइज्ड, तुम महसूस करोगे, विल है तो गागेगी का सेंस आएगा, महसूस करोगे, ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह से, नम मीन्स सुन और लकवाग्रस्त. अगर हम पूरे दिन के लिए अपनी चिंताओं को सोचते हैं तो हम पूरी तरह से महसूस करेंगे सुन और लकवाग्रस्त, इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, इनकैपेबल मीन्स असक्षम, मतलब असमर्थ, असमर्थ कुछ भी ना करने पाना, ठीक है ना, इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ना कर पाना. एल्स मीन्स कुछ और, ठीक है, कुछ और ना कर पाना, अंटिल जब तक ना, यू ड्रॉप तुम उन्हें गिराते हो, जब तक हम उन्हें फेंक नहीं देते, है ना, इसको समझते हैं. ये देखिए, थिंक अबाउट देम ऑल डे लॉन्ग, अगर तुम इस बारे में पूरे दिन सोचते हो तो तुम महसूस करोगे पूरी तरह से सुन और लकवाग्रस्त, और कुछ ना कर पाने में असमर्थ फील कर दोगे, है ना, जब तक तुम उसे गिरा नहीं देते, अंटिल यू ड्रॉप देम,
जब तक हम उसे गिरा नहीं देते, अपने दिमाग से निकाल नहीं देते, ठीक है ना। जो सोच है उसको हम जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक तो हम बहुत ही, मतलब हमें सुन फील होगा हमारे दिमाग में, हम कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहेंगे, कुछ भी ना करने के असमर्थ हो जाएंगे, इनकैपेबल हो जाएंगे। तो देखा कितनी अच्छी स्टोरी थी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑन डेज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, ठीक है, उन दिनों पर जब यू आर, यू आर मीन्स तुम हो, ठीक है, यू आर फुल फॉर्म है, स्ट्रेस्ड मीन्स तनावग्रस्त हो, एंड फीलिंग और महसूस करते हो क्या, ओवरहेल्प्ड। ओवरहेल्प्ड क्या होता है, घबराया हुआ, घबराया हुआ महसूस करते हो, ठीक है। लर्न टू एम्ब्रेस, सीखो उसे गले लगाना। द इनएविटेबल मीन्स जिसे बदला ना जा सके, अटल, ठीक है, जो बदला नहीं जा सकता उसको गले लगाना सीखो। जो उन दिनों में जब तुम तनावग्रस्त और घबराया हुआ फील करते हो, तो उस सिचुएशन को गले लगाना सीखो जो कि अटल है, ठीक है, इनएविटेबल, जिसे बदला ही ना जा सके, एंड लेट गो, और जाने दो, और जाने दो। तो ये थी स्टोरी। आई होप ये गाइस आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस छोटी सी स्टोरी से। उस प्रोफेसर ने कैसे समझाने की कोशिश की है कि उस पानी के गिलास में जो पानी था वो हमारे स्ट्रेस और चिंताओं को लेकर है, ठीक है, उससे मेल खाता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि कितना पानी है, फर्क ये पड़ता है कि कितनी देर हम उसको अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, अपने तनाव को, ठीक है। इसलिए अपने तनाव को हमें क्या करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, और जिसको हम नहीं बदल सकते, जिन चीजों को, उसको छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। कितना अच्छा लेसन और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है। मान लीजिए इसकी कोई भी फीस नहीं लेती मैं, लेकिन प्लीज आप मुझे एक कमेंट और एक लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबका भला हो, आपका भी हो और मेरा भी हो। गॉड ब्लेस यू।